माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूँ सारसपुर मेला देखने के लिए। शिवरात्रि में मेला लगता है। ये देखिए कल भी यहाँ का नज़ारा दिखाया था, एकदम खाली था, काफ़ी लोग जा रहे हैं मेला देखने। मैं भी चलता हूँ यहाँ से मेला देखने। कल आपको दिखाया था वीडियो में, आपने देखा था कि ये रोड एकदम सुनसान था और एक ही दिन का मेला लगता है। तो और देखिए मेरे साथ है शिव भाई, तो चलते हैं यहाँ से आगे की ओर, मिलते हैं सारसपुर में। तो गाइस इस बार रास्ता चेंज कर दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता था, तो स्पेशली शिवरात्रि मेला के लिए देखिए रास्ता चेंज करके बनाया गया है ताकि ट्रैफिक ना लगे। और उस रास्ते पे जाते थे तो सिंगल रास्ता था जिसके चलते रास्ता जाम हो जाता था। देखिए कैसा है नज़ारा यहाँ पर, इसी की ओर सब जा रहे हैं। एक अच्छा रास्ता है, हाल ही में बनाया गया है स्पेशली सारसपुर मेला में जो श्रद्धालु आते हैं घूमने के लिए। और चलते हैं आगे मेला की साइड। तो गाइस रास्ता का नज़ारा देखिए कैसा, कल दिखाया था तो कैसा नज़ारा था, एकदम सुनसान। और आज देखिए एकदम भरा भरा। और देखिए जैसे बताया था कि मैं पार्किंग का एरिया दिखाऊंगा अभी, कितना भीड़ भाड़ है उधर। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सारसपुर मेला। और देखिए बहुत भीड़ है, कल आप देखे थे एकदम खाली था। और वहाँ बहुत बड़ा शिवलिंग है गुब्बारा वाला, तो उसको भी चलते हैं देखते हैं। देखिए कुछ ऐसा है नज़ारा यहाँ, बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं दर्शन करके। देखिए बहुत बड़ा शिवलिंग, इसको भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं लोग, देख रहे हैं घूम घूम करके गुब्बारा वाला। और यहाँ देखिए इसमें लगा हुआ है एयर मशीन है, ये हवा भर रहा है। नज़ारा देखिए गाइस बहुत बड़ा शिवलिंग, देख सकते हैं। कुछ भाई मिले हैं जो पूछ रहे हैं कहाँ से, मैंने बताया सोनू डीजे तो जान गए, और सोनू राइडर बताया तो नहीं। कहाँ से भाई लोग, तुम लोग? हम लोग बड़गांव से, सब बड़गांव से हैं। गाइस मेला को कुछ बदला सा रंग लग रहा है, दुकान को यहाँ से चेंज कर दिया गया है, बगान में लगा हुआ है जो जितने भी मेला के उधर का भी नज़ारा दिखाता हूँ। चलते हैं उधर आगे की ओर बढ़ते हैं मेला। गाइस यहाँ से भीड़ भाड़ चालू हो जाता है और मेला भी यहाँ से चालू हो जाता है, और इधर पूरा मेला लगा हुआ है, तो चलते हैं इधर मेला की ओर देखते हैं। गाइस जैसे एंटर करेंगे तो आपको दुकान मिल जाएगा, कपड़ा का दुकान देखने को। और इधर देखिए खिलौने पूरे मेला में, और उधर कुछ खाना वाना मिल रहा है खाने के लिए, खाना नहीं बोल सकते यानी कि समोसा भजिया जो है। और इधर नाश्ता पानी चाय समोसा, और इधर सिंगारिका का सामान देख सकते हैं, पर्स बैग। और इधर चश्मा और शो मिल रहा है भाई सारसपुर मेला में, एक ही दिन का मेला होता है। और यहाँ लॉकेट की दुकान, और यहाँ टेडी उडी मिल जाएंगे, ये देखिए बड़े बड़े टेडी। ठीक है, क्या क्या रेट का है भाई टेडी? कितना का है? ये देखिए इधर कुछ नज़ारा, बहुत भीड़ है गाइस, हालत ख़राब, हर तरह की दुकानें लगे हुए हैं इस मेला में। और गाइस इधर देख सकते हैं इधर चप्पल जूता की दुकान है। और यहाँ को देख के यहाँ को आराम करने के लिए बनाया गया है, स्टेज था कुछ प्रोग्राम हुआ शायद, तो हम लोग लेट हो गए हैं। और अच्छा व्यवस्था है, सब बैठे हैं। और इधर का नज़ारा देखिए, पूरा भीड़ भाड़ होटल लगा हुआ है,
और यहाँ से नीचे से चलते हैं ना, यहाँ से नीचे है, यहाँ से हम लोग चलेंगे। कल आपको दिखाया था यहाँ का नज़ारा, नीचे साइड नदी है और इधर मंदिर भी है, तो पहले मंदिर की ओर चलते हैं फिर नदी के साइड चलेंगे। और गाइस उधर देखिए वहाँ लगा था, कल भी आपको दिखाया था वहाँ हवन हो रहा था, तो आज अभी नहीं हो रहा है। गाइस इस रास्ते का भीड़ देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। गाइस इधर भी भंडारा लगा हुआ है, लोग खिचड़ी खा रहे हैं और व्यवस्था एकदम तगड़ा, यानी कि रास्ता पहले जाम लग जाता था, दुकान वकान लगा रहता था, तो इस साल रास्ता को भी चेंज कर लिया गया है, जो कि रास्ता किनारे किनारे जो दुकान लगता था उसको चेंज कर दिया गया है, एक गार्डन में डाल दिया गया है दुकान को, तो अच्छा लगा। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता था, तो ट्रैफिक को भी चेंज कर दिया गया है रास्ता, ट्रैफिक का रास्ता, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इस साल का मेला घूमने में। और बहुत भीड़ भाड़ है, उम्मीद नहीं था कि कोरोना संक्रमण के चलते इतना भीड़ होगा, लेकिन हुआ। भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं दर्शन कर करके। पाकिट मारो से सावधान, आप कैमरे के नज़र में हैं। गाइस यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर, देख सकते हैं बहुत भीड़ है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, ऊपर की ओर जा रहे हैं दर्शन करने। यहाँ से करते हैं हम लोग एंट्री, यहाँ से चलते हैं अंदर। और ये देख सकते हैं यहाँ दर्शन किया जा रहा है, पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रशासन लगे हुए हैं, सब भक्तों को जल्दी जल्दी पूजा करा रहे हैं। दर्शन कर चुके हैं, यहाँ से चलते हैं बाहर, ये रहा एग्जिट गेट। तो गाइस फाइनली हम लोग सारसरो में शिव जी के दर्शन करके आ चुके हैं, पहाड़ में वहाँ चलते हैं, वहाँ दर्शन करेंगे फिर चलेंगे नदी की ओर। और मेरे साथ डीजे वाले बाबू, और यहाँ देख सकते हैं दुर्गा माता का दर्शन कर रहे हैं, और मौसम भी ख़राब हो रहा है अभी, तो चलते हैं यहाँ से हम लोग ऊपर मंदिर की तरफ, मंदिर में चलते हैं दर्शन करेंगे ऊपर पहाड़ में। तो गाइस ये देख सकते हैं फाइनली हम लोग पहाड़ पे चढ़ चुके हैं, और इधर है मंदिर, मंदिर की ओर चलते हैं। यहाँ से ये काली मंदिर है, तो गाइस अब काली माता का तो दर्शन कर चुके हैं, और राम मंदिर और हनुमान मंदिर का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए एंट्री गेट चालू हो जाता है यहाँ से, ये देखिए ये है राम मंदिर, और तो गाइस फाइनली हम लोग मंदिर में दर्शन कर चुके हैं, और यहाँ से निकलते हैं बाहर, यहाँ से चलेंगे हम लोग नदी की साइड, देख सकते हैं नज़ारा कुछ ऐसा है, और यहाँ रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है। और गाइस तो दिखाई दे रहा होगा नदी, महान नदी, लोग ये बहुत सारे वहाँ घूम रहे हैं नदी में, तो हम लोग भी चलते हैं उधर नदी के साइड और आपको ले जाकर नदी का नज़ारा दिखाता हूँ। माधुरस भाई मेला कैसा लगा, कितना भीड़ भाड़ था और दर्शन में कितना मजा आया था? और भीड़ तो इतना मत पूछे, करोड़ों में लाखों करोड़ों में आप समझ सकते हैं कितना हालत ख़राब हो गया हम लोग को दर्शन करते करते। देखेंगे नदी का पानी क्या है, बहुत क्या है, और बहुत लोग उधर इंजॉय कर रहे हैं, उधर भी चलते हैं नदी में, महान नदी है। तो गाइस मौसम भी ख़राब हो रहा है, और मौसम भी देखिए काफ़ी ख़राब है, और हवा भी तेज़ चल रहा है। तो यहाँ भाई मिल गए हैं, यहाँ कार्यकर्ता भंडारा करा रहे हैं, और यहाँ भी हम लोग पानी पी रहे हैं, और यादव जी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। रजनीकांत मिल गए हैं, बोलते हैं मेरा वीडियो बनाओ, मेरा भी तो स्पेशली बनाना पड़ रहा है इनका वीडियो। तो गाइस देख सकते हैं मार्केट लगा हुआ है, कल एकदम खाली था, कोई नहीं दिखाई दे रहा था, और आज दुकान ही दुकान। और आपको दिखाया था ना नदी के साइड जाने का रास्ता, जो बताया था नया रास्ता बन रहा है वो ये वाला है, जो पता भी नहीं चल रहा है। चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर नदी के साइड, और गाइस यहाँ से हो जाता है नदी का नज़ारा चालू। अभी देखिए इधर कितने लोग हैं,
तो गाइस अभी यहाँ से हम लोग नदी को पार करते हैं, नदी के उस पार चलते हैं, इसलिए तो सीधे पानी में गिर जाएंगे। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, इतना तेज़ हवा चल रहा है जैसे कि लग रहा है आदमी लोग उड़ जाएंगे यहाँ से। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग मेला में घूम घूम कर थक चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं हम लोग तीन लोग घूम रहे हैं, संतोष भाई, शिव भाई और शिव मंदिर है, मंदिर देखिए हो रहा है, एक पहाड़ एक पहाड़ दो पहाड़ और बीच में है शिव जी की मंदिर और ऊपर में देखिए राम मंदिर है और हनुमान मंदिर और नीचे में दुर्गा मंदिर। देखिएगा इस नज़ारा कुछ ऐसा है, यहाँ का नज़ारा बहुत प्यारा। और अभी हम लोग महान नदी के पास हैं, ये जो बैठे हुए हैं महान नदी है और पानी का धार बहुत कम है इस साल और अभी हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ मेला में। और देखो भाई मेरे सब्सक्राइबर मिल गए हैं यहाँ सारा सोरो मेला में। अच्छा ठीक है भाई, वीडियो देखना भैया मिल चुके हैं, बोल रहे हैं हमारा वीडियो फोटो खींचो तो, और वीडियो कैमरा है फोटो कैमरा नहीं है और देखिए खुश हो रहे हैं आज ड्यूटी लगा है कि नहीं है, यहाँ लगा है ना ड्यूटी लगा है यहाँ देखिए पूरा गैंग के साथ यहाँ मेला में सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए लगे हुए हैं सुबह से। तो गाइस फाइनली हम लोग मेला घूम चुके हैं, अब जा रहे हैं रिटर्न वापस। हेलो, और ये देखिए लगभग सभी लोग जा रहे हैं, अब शाम का 5 बज चुका है। और यहाँ कुछ भाई मिल गए हैं, बोल रहे हैं हम लोग का वीडियो बना रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? भूपेंद्र भाई। और आप कहाँ से तुम लोग? सेमरा। तो और इन लोग हैं सेमरा से, और भाई देखना वीडियो नाम से चैनल है, सब्सक्राइब कर दिया हैं, यानी कि सब्सक्राइबर हो आप भाई, मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो गाइस फाइनली वीडियो हो चुका है कंप्लीट सारा सोरो मेला का, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद गाइस, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।